फेस आप लोग का कितना कलर है भाई, आप लोग सिर्फ वन क्लिक में ऑनलाइन फोटो बनाना सीख जाएंगे। जैसे आप लोग एप्लीकेशन के अंदर अपना फोटो डालेंगे, आप लोग का फोटो कितना भी ज्यादा काला हो ब्लैक हो, फोटो आप लोग का गोरा बन करके तैयार हो जाएगा। एंड ये ट्रिक ना आप लोग पूरे यूट्यूब पे सर्च कर लेंगे तो कोई बताया नहीं होगा, नया एप्लीकेशन है कोई जानता नहीं है तो मेरे जान कैसे बताएगा। लेकिन आर्टिस्ट भी बहुत ज्यादा सर्च किया है, उसके बाद आप लोग को एडिटिंग सिखा रहे हैं। जैसे आप लोग फोटो डालेंगे आप लोग का फोटो बन करके तैयार हो जाएगा। अगर आप लोग मेरे ऊपर विश्वास करते होंगे तो भाई सिर्फ वन क्लिक में एडिटिंग सिखाएंगे। तो वीडियो को लाइक फॉलो लाइक, चलिए मेरे जान बेहतर के बिल्कुल स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस सेम आप लोग भी वन क्लिक में कुछ इस तरीके से फोटो को बनाना सीख जाएंगे, बिल्कुल क्वालिटी में होगा मेरी जान। आप लोग सोच रहे होंगे यार डिक्स भाई पहले से एडिट करके रखे हो इसके लिए ये कलर बैलेंस आप कर पा रहे हो, नहीं मेरी जान आप लोग भी कलर बैलेंस करना सीख जाएंगे, बस आप लोग को एक एक स्टेप फॉलो करना है। एंड वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है मेरी जान, आप लोग भी अपने फेस को गोरा करना सीख जाएंगे, साथ ही साथ आप लोग अपने बैकग्राउंड को मन मुताबिक आप लोग एडिट करना सीख जाएंगे जैसे कि वन क्लिक में मेरी जान। तो इस फोटो को बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है मेरे जान, बिल्कुल नया स्टेप में बताएंगे और नया एप्लीकेशन है मेरे जान, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्च करने बाद मुझे ये एप्लीकेशन मिला। एंड आप लोग को भी मैं नाम बता दूंगा। एंड यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा टूल्स है, मतलब सेटिंग भी है। तो ये सारा सेटिंग बिल्कुल न्यू है, आप लोग को मैं बताऊंगा इसको आप लोग कैसे यूज करेंगे। एंड सबसे आसान तरीके में ये एप्लीकेशन से आप लोग फोटो बनाना सीख जाएंगे। हाँ तो मेरी जान हम लोग लेकर के आ चुके हैं फोटो को एप्लीकेशन के अंदर, एंड सिर्फ वन क्लिक में आप लोग फोटो बनाना सीख जाएंगे सबसे आसान तरीका। तो भाई वीडियो को छोड़ करके नहीं जाना है, एंड लास्ट में बता देंगे एप्लीकेशन का क्या नाम है, ये आप लोगों को कहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा पोर्ट्रेट टूल्स, ठीक है, पोर्ट्रेट टूल्स वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। एंड यहाँ पे देखिएगा सबसे मेन पॉइंट है, यहाँ पे देखिए स्किन टोन, ठीक है, स्किन टोन पे क्लिक कर देंगे, कुछ इस तरीके से इंटरफेस लेगा, आप लोग का फेस यहाँ पे देखिए वन क्लिक में गोरा हो जाएगा। सेलेक्ट करने बाद सिंपली यहाँ पे लाइट को आप लोग माइनस में करते हैं तो आप लोग का फेस ब्लैक हो जाएगा, ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद। एंड यहाँ पे इसी को प्लस में करेंगे तो आप लोग का फेस बहुत ज़्यादा गोरा हो जाएगा। एंड यहाँ पे देखिए कूल को माइनस में आप लोग करेंगे तो और ज़्यादा नेचुरली आप लोग का गोरा फेस दिखने लगेगा। सो मेरे प्यारे दोस्तों इतना करना, सिंपली यहाँ से आप लोग को डन कर लेना होगा। एंड डन करने में अब आप लोग को क्या करना है मेरे जान, यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा मतलब गोरा हम लोग का फेस हो चुका है, ठीक है, मैक्सिमम जितना चाहिए उतना ज़्यादा हो गया है। इतना करने में सिंपली आप लोग को अब क्या करना होगा, यहाँ से डन करके यहाँ पे एडजस्ट वाला ऑप्शन पे चले जाना होगा। सो मेरे प्यारे दोस्तों एडजस्ट वाले ऑप्शन पे आने बाद यहाँ पे देखिए ऑटो होगा, ठीक है ना, कॉर्नर में आप लोग को दिखा सकता हूँ ऑटो, ऑटो पे क्लिक करेंगे तो बहुत ज़्यादा आप लोग के बैकग्राउंड के ऊपर लाइट आ जाएगा, फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा लाइट आ जाएगा। तो ऐसा एडिटिंग नहीं करना चाहिए, ठीक है, कभी भी आप लोग फोटो को ऑटो में मत कीजिएगा एडिटिंग, वरना आप लोग का फोटो खराब हो जाएगा एंड अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। आर्टिस्ट भाई जो तरीका बता रहे मेरे जान एक एक स्टेप फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग आ जाएगा कंट्रास्ट पे, एंड कंट्रास्ट पे आने बाद यहाँ पे इसका कंट्रास्ट को आप लोग को माइनस कर देना, ठीक है, माइनस में करते हैं तो आप लोग का बैकग्राउंड यानी मतलब धुधलापन हो जाएगा, ठीक है ना, अच्छे से दिखेगा नहीं। तो इसको आप लोग क्या करना होगा प्लस में, ठीक है, प्लस 100 करेंगे तो बहुत ज़्यादा आप लोग का बैकग्राउंड डार्क हो जाएगा। एंड यहाँ पे हाईलाइट्स होगा, ठीक है, हाईलाइट्स वाला ऑप्शन पे आ जाएगा। वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेंगे मेरे जान तभी आप लोग समझ पाएंगे। हाईलाइट्स पे आने के बाद यहाँ पे हाईलाइट्स को 51 प्लस कर दीजिएगा, बिल्कुल रियल एडिटिंग सिखा रहे हैं मेरे जान, वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। एंड वीडियो को छोड़ करके जाएंगे तो बहुत ज़्यादा पछताएंगे क्योंकि आर्टिस्ट भाई रियल एडिटिंग सिखा रहा है, ठीक है ना, आज की इस वीडियो में। इतना करने में सिंपली यहाँ पे शेडो होगा, शेडो वाले ऑप्शन पे आने में शेडो को आप लोगों को क्या करना होगा, हल्का सा प्लस कर देंगे तो मैक्सिमम 6 कर देना है। सो दोस्तों यहाँ पे सेचुरेशन होगा, सेचुरेशन पे जाने में सिंपली यहाँ पे देखिए सेचुरेशन अगर आप लोग माइनस में करते हैं तो आप लोग का फोटो बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा, तो इसको आप लोग प्लस में कीजिएगा ताकि आप लोग के फोटो के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगे, फोटो का सेचुरेशन जो बढ़ता है ना भाई बहुत ज़्यादा देख करके मज़ा आता है। इतना करने में सिंपली यहाँ पे आप लोग आ जाना होगा टिंट वाले ऑप्शन पे, टिंट वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे देखिए इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। एंड कुछ इस तरीके से आप लोगों को क्या करना होगा, जैसे आप लोग ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो आप लोग का फेस और बैकग्राउंड पूरा सारा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, तो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तो आप लोग 21 करके यहाँ से आप लोग को डन कर लेना होगा। सो मेरे प्यारे दोस्तों डन करना, अब आप लोग को क्या करना होगा, फिर से आ जाना होगा एडजस्ट वाले ऑप्शन पे, एडजस्ट वाले ऑप्शन पे आने के बाद मेरी जान यहाँ पे आ जाना होगा HSL होगा, ठीक है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। एंड इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना सिंपली इसका ह्यू, ठीक है, ह्यू को आप लोगों को क्या करना होगा मैक्सिमम 37 प्लस, एंड सेचुरेशन को आप लोगों को माइनस कर देना होगा, एंड लाइटनिंग को आप लोगों को बढ़ा देना होगा। सो मेरे प्यारे दोस्तों इतना करने के बाद आप लोग आ जाइएगा इस वाले ऑप्शन पे, एंड इसका सेचुरेशन, ठीक है, सेचुरेशन को अगर आप लोग माइनस में करते हैं तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से आप लोग का बैकग्राउंड बनेगा, अगर इसी सेचुरेशन को प्लस में करेंगे तो आप लोग का बैकग्राउंड येल्लो टोन में बनेगा तो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है, ठीक है, पीछे का बैकग्राउंड येल्लो टोन में रहता है और ज़्यादा डार्क ब्लैक रहता है तो और ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि भाई डार्क ब्लैक फोटो बहुत ज़्यादा मस्त लगता है। यहाँ पे देखिए डार्क ब्लैक मैं कर दिया, तो डार्क ब्लैक करने के बाद सिंपली आप लोग क्या कीजिएगा अपने बैकग्राउंड में क्वालिटी डालिएगा, ठीक है ना,
क्वालिटी डालने के लिए यहाँ से आप लोग ग्रीन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सेचुरेशन को बढ़ा देंगे एंड इसका ही आप लोग अपने फोटो हिसाब से रखिएगा। ओके मेरी जान, इतना करने में सिंपली आप लोग इसोलेशन पे आ जाइएगा। कपड़े का कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग कपड़े का कलर भी चेंज कर सकते हैं बिल्कुल वन स्टेप में मेरी जान। यहाँ पे देखिए बिल्कुल जो मैं एडिटिंग सिखा रहा हूँ मेरी जान, बिल्कुल रियल एडिटिंग सिखा रहा हूँ। इतना करने के बाद अब आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ से देखिएगा डन कर देना होगा। ठीक है, डन करने में सिंपली यहाँ पे फिल्टर होगा, फिल्टर ऑप्शन पे आ जाएंगे एंड यहाँ से आप लोग फिल्टर को सेलेक्ट कर सकते हैं आप लोग अपने फोटो के हिसाब से। यहाँ पे देखिए कितना ऑसम तरीके से मैं अपने फिल्टर को अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सेकंड वाला आप फिल्टर बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा है एंड फर्स्ट वाला भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं फिल्टर अप्लाई नहीं करूँगा, बिना फिल्टर का ही हमारा फोटो बहुत ज़्यादा गजब का लग रहा है मेरे जान। तो अगर आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करना है मेरे जान तो आशा करते हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मैं आप लोग बताता हूँ एप्लीकेशन का क्या नाम है एंड आप लोग को कहाँ पे मिलेगा। हाँ तो मेरी जान, अगर आप लोग को एप्लीकेशन का नाम जानना है तो यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है 1.1 मिलियन, RDX नाम से चलता है। ठीक है मेरी जान, RDX एडिटर 20, 1.1 मिलियन फॉलोअर हो चुका है। तो मैं आप लोग को फॉलो नहीं, सब्सक्राइबर नहीं, बड़ा भाई भगवान बराबर मानते हैं मेरी जान। यहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा, मैं डेली 9 बजे लाइव आता रहता हूँ, आप लोग को ज्वाइन करूँगा एंड जो भी आप लोग का प्रॉब्लम रहता है सोल्व कर दूंगा। ठीक है एंड यहाँ पे देखिएगा RDX एडिटर 20 65,800 फैमिली आप लोग जुड़ चुके हैं, तो इस पर आप लोग क्लिक करके आप लोग को ज्वाइन कर लेना होगा। इसमें मैं सारा PNG डिस्क्रिप्शन जो भी एप्लीकेशन का नाम रहता है इसमें मैं डाल देता हूँ। तो आशा करते हैं मेरे जान लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा ताकि जब भी मैं एडिटिंग ऐसे वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। पूरा वीडियो आज करने के लिए थैंक यू सो मच मेरे जान, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बवाल तरीके तब तक के लिए बाय बाय, लव यू एंड जय हो सिद्ध।